मैं चाहे वो मानता हूं या नहीं मानता हूं, मेरा जो किरदार है पिक्चर में वो जरूर मानता है। जो कमजोर होता है उसको कुछ मांगने का, और चूंकि वो कमजोर है और वो अपना खुद का स्टैंड नहीं लेता है, उसको कोई जिंदगी में कुछ मांगने का कुछ हक नहीं है। उसको जो मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहे तो बेहतर है, नहीं तो फिर वो अपनी कमजोरी की जो बीमारी है उसको अपनी जिंदगी से निकाले और एक स्टैंड ले। जो भी कुछ गलत या अत्याचार या कुछ भी आपके साथ जो हो रहा है, अगर आप कमजोरी में रहेंगे तो वो बीमारी है आपको। इट्स लाइक अ डिजीज, दैट्स व्हाट माय कैरेक्टर फील्स। एटलीस्ट जॉन डे में मेरा किरदार है गौतम सावंग का, जो कि एक ऑर्फनेज में पला बड़ा एक इंसान है, जो कि जिसको जिंदगी ने बचपन से कुछ फेयरली डील नहीं किया है। वो भी दुनिया को उसी तरीके से डील करता है। पावर और पैसा वो उसका बहुत बड़ा एक लाइफ का हिस्सा है। द नेट ऑफ कंस्पिरेसी इट अनफोल्ड्स। तो इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसका रिलेशनशिप के ऊपर ये कहानी है। मेरे कैरेक्टर है तबस्सुम हबीबी, वो एक औरत है जो प्यार और अल्कोहल में डूबी हुई है। क्लाइमेक्स सीन इज समथिंग वेरी स्पेशल, इट्स लाइक अ पोएम, तो यू हैव टू वॉच इट। पिक्चर में दिखाया गया है कि मुंबई का सबसे खतरनाक आदमी है, सबसे पावरफुल आदमी है। मुंबई में जो कुछ होता है वो इसके कहने पर होता है, इसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही रिलीजियस आदमी है, अच्छा आदमी भी है और बुरा आदमी भी। और वहाँ पे देयर वर फोर पीपल, देयर वाज अ कॉर्नर्ड मैन एंड देयर वर बीटिंग हिम अप ब्रूटली। लेकिन वो इमेज जो है मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली था। अभी ये फिल्म इज बेसिकली अबाउट, जैसे आपने डायलॉग सुना है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। सो दिस इज व्हाट दिस मूवी सेज, दैट यू नो विद इन एवरी मैन देयर इज अ बीस्ट हिडन एंड बिहाइंड एवरी बीस्ट देयर इज अ स्टोरी। ये फिल्म ऐसा नहीं है जो एक लाइन ड्रॉ करता है कि यू नो दिस इज गुड दिस इज इविल, हालांकि ये फिल्म वो लाइन को मिटा देता है।